Shut. एक्चुअली ये ऐसा हुआ है कि ये आर्य कॉलोनी जो है नेशनल पार्क के अंडर ही आता है और यहाँ पे जंगल है तो स्नेक्स तो बहुत रहती ही है। और आर्य कॉलोनी पोल्ट्री है ऐसे जगह पे कि यहाँ पे आगे आप हर जगह पे देख सकते हो कि जंगल है ही, और जंगल बोले तो सांप का घर ही है। तो वो कैसे ही बारिश होता है जैसे भरोस में पानी वगैरह भर जाता है और चूहे वगैरह बहुत है, उनके पीछे वो पुलिस स्टेशन में भी आ जाते हैं। अच्छा, कितने अब तक आपने पकड़ा रहेगा पुलिस स्टेशन के अंदर से? अभी तक तो रिसेंटली यहाँ पे मैं आके मुझे 6 महीना हो गया, यहाँ पे मुझे 4-5 स्नेक मिले हैं। 4-5 स्नेक? हाँ, कोबरा वेनम स्नेक सब यहाँ पे मिलते हैं। कितने जहरीले रहते हैं अगर जो किसी इंसान को काटते हैं? एक्चुअली बचना पॉसिबल है। एक कहना चाहूँगा, अगर कहाँ पे मतलब मुंबई में या यहाँ पे नज़दीक किसी भी आदमी को अगर किसी को काटा या इंसिडेंट हुआ तो पहले आप उनसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, क्योंकि प्राइवेट में ये इलाज नहीं होता, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट हो सकता है। और जाने के बाद कुछ फर्स्ट एड रहता है सांप काटने के बाद, तो वो करना चाहिए सब, उसका मालूम होना जरूरी है सबको। बारिश में सांप निकलते अगर किसी को काट लिया तो उसके बारे में एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सब ने, इंटरनेट तो सबके पास है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपने पास खुद रखना चाहिए कि अगर सांप काटने के बाद हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट काटने के बाद पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल।